प्रदेश के बदायूं जिले में निर्भया गैंगरेप जैसी हैवानियत सामने आई है। यहां 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दरिंदों ने प्राइवेट पार्ट में रॉड जैसी चीज भी डालने की कोशिश की। आंगनबाड़ी सहायिका के शरीर के अन्य हिस्से में भी गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इस मामले में एसएसपी संकल्प मिश्रा ने लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। घटना 3 जनवरी की शाम की है, जहां पर 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका मंदिर में पूजा करने गई थी। इस दौरान मंदिर में मौजूद महंत सत्यनारायण, उसका चेला वेदराम और ड्राइवर जसपाल ने गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया और 3 जनवरी की रात को ही अपनी गाड़ी से आंगनबाड़ी सहायिका की खून से लथपथ लाश उसके घर फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। परिजनों ने उगहत्ती थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस परिजनों को गुमराह कर थाने के चक्कर कटवाती रही। पुलिस ने पहले तो आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या की घटना को झूठा बताकर कुएं में गिरने से मौत होने की बात कही। आला अधिकारियों के संज्ञान में आने और मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने आंगनबाड़ी सहायिका के घर वालों की तहरीर पर महंत सत्यनारायण, वेदराम और ड्राइवर जसपाल के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया। लेकिन पुलिस ने 4 जनवरी को आंगनबाड़ी सहायिका के शव पोस्टमार्टम न कराकर 5 जनवरी को करीब 48 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आंगनबाड़ी सहायिका के साथ हुई जघन्य वारदात उजागर हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर गंभीर चोटें, साथ ही प्राइवेट पार्ट में रॉड जैसी चीज डालने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में लापरवाही बरतने और घटना को दबाने के आरोप में थानाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। थानाध्यक्ष ने ही आला अधिकारियों को गुमराह करते हुए बताया था कि महिला की मौत कुएं में गिरने से हुई है, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों के हंगामे के बाद थानाध्यक्ष की लापरवाही उजागर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।